हाँ जी सुनाओ जी। भगवान स्वरूप गुरुवर के चरणों में बागेश्वर धाम के पागल अजय पांडे का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। जय हो पगला बाबा। आज्ञा प्रभु। कहाँ रहते हो आप? इंदिरा कॉलोनी दमोह में रहते हैं। अच्छा, दमोह ही क्यों? अरे तो वही जय रहा है, बता भाई, बता। तो भगवान परसों आपने एक संदर्भ दिया था। हाँ। जिसमें मतलब आपने बताया था कि जो हाथी और गज की आपने कहानी बताई थी उससे रिलेटेड मतलब एक प्रसंग आया है मन में, उसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ जी। तो गजराज को प्यासे लगी वन में जब नीर सरोवर पीवन धायो, गजराज ने पामे धरो जल में तब ग्राह ने आके पामे दवायो, गजराज के जोरे अटूटे भये पर ग्राह के बल को पारे न पायो, गोविंद प्रभु की शोभा जो निर को आपी ने आके पंदे छोड़ायो। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर। बहुत सुंदर कह दो, बहुत अच्छा। गुरुवर, और कल आपने एक प्रसंग दिया था, बहुत अच्छा। आपने एक प्रसंग दिया था गुरुवर कल। हाँ। कि आपने कहा था कि जैसे यदि आप भक्ति किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो आप भक्ति करने वालों के चरण पकड़ लीजिए। बिल्कुल। ये जो आपने प्रसंग दिया था उससे संबंध है, राम प्रसंग है जो, उसी संबंध में आपसे कुछ बताना चाहता हूँ प्रभु। एक छोटी सी प्रसंग है, आपको सुनाना चाहता हूँ। बोलो। तो क्या हुआ था गुरुवार, एक गांव में एक लड़का हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा उपद्रव किस्म का लड़का था। हमारे जैसो? अरे प्रभु आपके जैसा कहाँ। हाँ, तो हाँ, तो वो बहुत ही ज्यादा उपद्रव किस्म का लड़का था, तो उसके माता पिता उसे बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे कि भाई ये बच्चा कैसे सुधरेगा, क्या किया जाए इसके साथ कि ये बच्चा ठीक हो जाए। और राम नाम का जाप करने लगे और तन मन धन से भगवान को प्रतिस्थापित करने लगे अपने मन में। तो उन्होंने सोचा, क्योंकि आपने बताया था पहले अपने प्रसंग में कि भाई यदि आप भक्ति नहीं कर पाते हैं तो आप अपने गुरुवर के चरणों में कहीं ना कहीं गुरुवर के चरण जाके पकड़ लीजिए। हाँ। तो वही किया उनने, उस गांव के लड़के ने। तो उसके बाद जब उसके माता पिता परिजन वाले उसके लेके गए, तो वहां पर गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये लड़का है बहुत उपद्रव किस्म का है, और ये जो है भगवान का नाम नहीं लेता है बिल्कुल भी। गुरुवर तो आपके जैसे ही थे, गुरुवर महंत थे, साधु थे, भगवान के रोम रोम में बसते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस लड़के को ठीक करने की जवाबदारी हमारी है, हम ठीक करेंगे इस लड़के को। तो उसने कहा ठीक है। तो उस लड़के ने गुरुवर से कहा, गुरुवर हम आपके साथ रह लेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपसे आप हमसे भजन सत्संग की बात नहीं करना। गुरुवर ने पूछा क्यों? बोला इससे हमारा सिर दर्द करता है। वाह जी, इससे हमारा सिर दर्द करता है, भजन प्रसंग की बात आप हमसे नहीं करना। गुरुवर तो होशियार थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया नहीं करेंगे। इसके बाद उसने दूसरी बात कहा कि जो हमारे मन में आता है वो मैं करूंगा, वो मैं करूंगा, मुझे रोक टोक नहीं करना। गुरुवर तो फिर भी होशियार थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया दूसरी शर्त भी आपकी होशियार लागू है। गुरुवर के साथ कुछ समय वो लड़का रहा, तो साथ में रहने के बाद गुरुवर ने कहा कि भाई अब तुम सयाने हो चुके हो, वृद्ध हो चुके हो, इतनी भक्ति आपने करी है, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। गुरुवर बहुत होशियार थे गुरुवर, तो उन्होंने कहा हम मांगने चाहते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मांगना चाहते हो? बोले सिर्फ एक बार राम का नाम ले लो आप। वाह। बोले इससे क्या फायदा? गुरुवर मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ बहुत गुदम हो रहा है, हल्ला हो रहा है, आप माफ कर दे, हम अपने कॉन्सेंट्रेट नहीं है गुरुजी, हम अपने बात पे शांत कर दीजिए। तो राम का नाम लेना चाहते थे, तो फिर उसके बाद उसने कहा कि राम का नाम, बोले ठीक है। उसने कहा राम राम